कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से दो दिन के श्रीनगर दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब राहुल गांधी घाटी में होंगे। राहुल शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां एमए रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करने के अलावा वो एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा खीर भवानी मंदिर और हजरतबल दरगाह भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के मुताबिक राहुल गांधी ने पहले 4 दिनों की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में मौजूदा संसद सत्र की वजह से उन्होंने इसमें कटौती कर दी। वो 9 और 10 अगस्त को कश्मीर में रहेंगे। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद राहुल गांधी 2 से 3 दिनों के लिए जम्मू के दौरे पर भी जाएंगे। राहुल के दौरे को देखते हुए प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल समेत कश्मीर व जम्मू के प्रमुख नेता श्रीनगर पहुंच चुके हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जम्मू से पूर्व मंत्री एवं उपाध्यक्ष रमन भल्ला, महिला इकाई के अध्यक्ष इंदु पवार, युवा इकाई के अध्यक्ष नीरज कुंदन श्रीनगर पहुंच चुके हैं। मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा व अन्य कई नेता दोपहर तक श्रीनगर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी पर विराम लगाने का प्रयास राहुल गांधी की पहली कोशिश होगी। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमों में कांग्रेस बंटी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर प्रदर्शन करे, इसके लिए राहुल गांधी पार्टी नेताओं को कड़ी हिदायत देंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।